चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार हर माह के अंतिम दिन नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इस दिन को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये बात सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कही। डॉक्टर चौधरी ने एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के दौरान भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जानकारी दी। बता दूं कि एनीमिया जो खून की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, उसमें अपन ये देखे हैं तो हमने जो बच्चों में ये लगभग 60% के आसपास है। इन जनरल अगर महिलाओं की बात करें तो ये 46% के आसपास है। प्रेग्नेंट में लगभग 50% जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती है वो एनीमिया रोग से ग्रसित होती है। तो अगर वो महिला एनीमिया से ग्रसित है तो उसका बच्चा भी होगा तो वो भी एनीमिया होगा, उसका लो बर्थ वेट भी होगा। तो उससे कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि जैसे जन्म होगा तो बच्चों में बीमारियां भी हो सकते हैं जिससे मृत्यु होने की संभावना होती है। जो अपन जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी एनीमिया की वजह से ये उसमें ज़्यादा होती है। अगर दूसरा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राजस्थान, जो कि 30 तारीख को अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि के समय 11 बजे के बाद हम शपथ लेकर सारे नागरिकों को शपथ दिलाई जाएगी कि अपन नशा मुक्त रहें ताकि एक अपने स्वस्थ और स्वच्छ समाज का विकास किया जाए। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि लगभग अगर महिलाएं देखी जाए तो महिलाएं भी 6.3% बीड़ी या वो खैनी या वो खाती है और मैं आदमी 46% नशा करते हैं। नशा किसी भी रूप में हो सकता है, खैनी का कह दो, बीड़ी का कह दो, सिगरेट का कह दो, अल्कोहल का कह दो, ओपियम का कह दो, ये सारे नशा और ये सारी समस्याओं की जड़ होता है। और एक अगर आदमी नशा करता है तो वो अपना पूरा मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे सकता वो, और मैक्सिमम आउटपुट जो अपनी वर्क एफिशिएंसी अगर 100% नहीं देगा तो वो अपने देश की इकोनॉमी प्रोडक्टिविटी पे भी असर करता है। और अगर वहाँ सार्वजनिक स्थान पर बिक्री करता हुआ पाया गया तो उसमें कोटपा कानून के तहत उसको वो 200 रुपये या 500 रुपये उसका नियमानुसार चालान है। अगर बार बार वो गलती करता है तो उसमें 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। और बालिक व्यक्ति को भी अगर कोई मतलब सिगरेट अगर देता है या कोई अल्कोहल अगर देता है 18 साल के छोटे बच्चों को अगर वो दुकान पर, तो वो भी उसमें दंडनीय है और उसके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की जाए।